आप सबों को मेरा प्रणाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग एमकॉम सेमेस्टर 4 का एक पेपर है, कॉरपोरेट गवर्नेंस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जिसका पेपर कोड है सीसीकॉम 403। इसमें एक टॉपिक है हमारा गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस, हम लोग आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। ये जो गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या है, आप इससे क्या समझते हैं और इसके एलिमेंट्स को लिखें। एक गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस के जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को बताएं। तो बहुत छोटा टॉपिक है, देखिए सावधानी से समझिए, आराम से सुनिए, है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लें, याद करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, तब आएंगे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। हमने आपको इस पे हमारा पहले लेक्चर आ चुका है, अगर आप नए हैं तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जा करके देख लेंगे, ये इसका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिर भी एक बार देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम किसको कहेंगे, है ना। तो हम जो कहता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम, है ना, एक सिस्टम है। किसका सिस्टम है भाई? तो रूल्स प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेसेस का, बाय विच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है, एक एक तरीका है, एक जरिया है, एक वे है, किसका? तो रूल्स का, प्रैक्टिसेस का एंड प्रोसेसेस का, जिसकी सहायता से, जिसके द्वारा, बाय विच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड। मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, है ना, सेट ऑफ रूल्स है, जिसके बदौलत, जिसके मार्फत, जिसके जरिए कंपनी क्या, कंपनी रन करती है, कंपनी चलती है, कंपनी गवर्न होती है, कंपनी को डायरेक्शन मिलता है और कंपनी जिस नियम के सहारे, कंपनी को जिस नियम के सहारे क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ना, सेट ऑफ रूल्स है, जिसके जिसके जरिए, जिसकी सहायता से कंपनी को डायरेक्शन मिलता है, कंपनी को कंट्रोल किया जाता है। एकदम सिंपल शब्दों में तो यही है। और भी डिटेल जानने के लिए आप उस लेक्चर को एक बार सुन लेंगे, काफी कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम पहले बोल चुके हैं। तो सेट ऑफ रूल समझ गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब आइए मीनिंग ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये जो एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो बात कर रहे हैं हम, इसका क्या अर्थ है? तो कहता है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स द प्रोसेसेस ऑफ डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। बस यहीं पर रुक जाइए। कहता है कि जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, इसका अर्थ क्या है? कहता है कि द प्रोसेस, है ना, द प्रोसेसेस ऑफ, एक एक प्रक्रिया है, तरीका है, किसका? तो डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी विच आर टू बी फॉलोड फॉर रेगुलेटर्स, शेयर होल्डर्स एंड जनरल पब्लिक। ये जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, सिंपल सा मीनिंग है, मतलब इसका अर्थ है तरीका, प्रोसेस। तो किसका प्रोसेस भाई? तो डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी का, जो कि फॉलो किया जाता है किनके लिए? रेगुलेटर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए और आम जनता के लिए, है ना। मतलब डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी का जो प्रोसेस है ना कंपनी का, उसी को कह रहा गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना। किसके लिए, किसके लिए ये फॉलो होता है? तो फॉर रेगुलेट, जो रेगुलेटर्स हैं कंपनी के, जो शेयर होल्डर्स हैं एंड और जो आम जनता है, है ना। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर कर रहा है किसको? तो प्रोसेसेस ऑफ डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, प्रोसेसेस को, है ना। किसका प्रोसेसेस? तो डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी का, जो कि फॉलो किया जाता है रेगुलेटर्स, शेयर होल्डर्स और आम जनता के लिए। This includes, इसमें क्या शामिल है? Accurate information about the financial, operational and यहाँ पे and होना चाहिए, and other aspect of companies, कंपनी का जो दूसरा पहलू है। मतलब ये जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, ये जो डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी का जो प्रोसेस है रेगुलेटर्स, शेयर होल्डर्स और ये आम जनता के लिए, इसमें शामिल क्या है? तो इसमें शामिल है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, है ना, एकदम सही और सटीक इंफॉर्मेशन।
अबाउट जो जो इंफॉर्मेशन होगा वो फाइनेंशियल होगा, हो सकता है ऑपरेशनल हो सकता है, और कंपनी का जो दूसरा एस्पेक्ट है ना उससे रिलेटेड हो सकता है। मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशनल, दूसरा एस्पेक्ट से रिलेट जो, और जो कंपनी के जो दूसरे पहलू हैं उनसे रिलेटेड जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है ना, ये शामिल होता है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, है ना। तो इन्हीं के डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी का जो प्रोसेस है ना उसको कह रहा है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब कंपनी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसका डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी, है ना, को क्या कह रहा है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब एक जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं या होंगे, तो कहता है कि फॉलोइंग आर आर सम की एलिमेंट्स ऑफ अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो की एलिमेंट्स हैं वो निम्नलिखित हैं, है ना। मतलब जो आप एक बढ़िया बढ़िया गवर्नेंस की बात बोल रहे, उसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे किसी कंपनी का जो गवर्नेंस है वो गुड होगा। तो नंबर वन इज रोल रोल एंड पावर्स ऑफ द बोर्ड। जो बोर्ड है इसका रोल एंड पावर्स, देखिए हम सभी जानते हैं कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी का जो गवर्नेंस है, ये बोर्ड के हाथ में होता है। मतलब कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो बोर्ड है, बोर्ड के द्वारा ही कंपनी का मैनेजमेंट होता है। तो अगर जो बोर्ड का जो रोल एंड पावर्स होगा ये अगर क्लियरली मेंशन नहीं हो तो क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो सकता है? नहीं होगा। चूंकि चूंकि कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड के हाथ में है तो बोर्ड का जो रोल एंड पावर्स है दैट शुड बी क्लियरली मेंशन, मतलब एकदम क्लियरली मेंशन होना चाहिए, है ना। एकदम मतलब कोई किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए जो रोल एंड पावर्स है बोर्ड का, सबको पता होना चाहिए, है ना। तभी हम गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में सोच सकते हैं, है ना। बोर्ड का अगर रोल और पावर्स ही अगर मतलब बहुत क्लियरली डिफाइंड ना हो, तो भाई मेंशन ना हो, तो हम कैसे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर सकते हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट इज रोल एंड पावर ऑफ बोर्ड। नंबर टू इज लेजिस्लेशन। कहता है कि ये जो विधान है, जो लॉ है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, देखिए हम सभी जानते हैं कि कंपनी जो है, कंपनी के ऊपर जो बहुत सारे जो रूल्स है ना, मतलब कि एक छोटा सा जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 है, कंपनी कैसे चलेगा इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें बताई गई हैं ये कंपनीज एक्ट 2013 में। मतलब बहुत सारा नियम कानून है, बहुत सारा सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 में, जो डायरेक्टर से रिलेटेड है, बोर्ड से रिलेटेड है, ऑडिटर से रिलेटेड है। तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ना, सारे जो लॉज है ना वो फॉलो होना चाहिए। अगर अगर मान लीजिए हम गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं और जो रूल्स बनाए गए हैं, जो लॉज हैं, अगर उन्हीं को फॉलो ना किया जाए तो कैसे कंपनी का गवर्नेंस गुड हो सकता है? नहीं होगा। सो सेकेंड एलिमेंट इज लेजिस्लेशन, है ना। ये एकदम एकदम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए। थर्ड वन इज मैनेजमेंट इन्वायरमेंट। देखिए ये बहुत अच्छा चीज है मैनेजमेंट इन्वायरमेंट। हम सभी जानते हैं ना कि जो कंपनी का जो एवरी एक्शन है, जो जितना भी एक्शन है कंपनी का ना, मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजमेंट का, तो वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है इन्वायरमेंट से, है ना। तो अगर कंपनी के मैनेजमेंट का एनवायरनमेंट, अगर अगर आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो जो इन्वायरमेंट है ना, वो मैनेजमेंट का जो इन्वायरमेंट है ना वो क्या है, वो पीसफुल होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। अगर अगर मैनेजमेंट को बढ़िया इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, बढ़िया वर्क प्लेस, बढ़िया वर्क कल्चर नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं होगा, है ना। कंपनी का मैनेजमेंट, देखिए बात को समझिए, कंपनी का गवर्नेंस मैनेज जो बोर्ड है उसके द्वारा होगा। अब उन लोगों को बढ़िया से काम करने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। अगर वर्क इन्वायरमेंट बढ़िया नहीं मिलेगा तो गुड गवर्नेंस का हम कैसे सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं, है ना, गुड गवर्नेंस होगा ही नहीं। सो मैनेजमेंट को बढ़िया इन्वायरमेंट मिलना चाहिए काम करने के लिए, सो दैट की गवर्नेंस क्या हो, गुड हो। नेक्स्ट बोर्ड अपॉइंटमेंट्स।
देखिए, ये जो बोर्ड का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, ये एज पर नॉर्म्स होना चाहिए, एज पर रूल्स होना चाहिए, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में जो सेक्शंस हैं उनमें बताया गया है कि कैसे बोर्ड का अपॉइंटमेंट होना है, किस तरह से होना है बोर्ड का अपॉइंटमेंट। कोई भी इलीगल तरीके से अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। अगर अपॉइंटमेंट गलत तरीके से होगा तो गुड गवर्नेंस कहाँ से होगा। अगर गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो जो अपॉइंटमेंट है बोर्ड का, दैट शुड बी एज पर लॉ। वो लॉ के आधार पर होना चाहिए, जो जो सेक्शंस है उन सेक्शंस के आधार पर होना चाहिए, है ना। मतलब कि कोई भी गलत प्रैक्टिस, गलत गलत अपॉइंटमेंट ना हो, नहीं होना चाहिए, है ना, गुड गवर्नेंस के लिए। नेक्स्ट है बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स जानते हैं ना, कंपनी का जो बोर्ड है वो फ्रीक्वेंटली, मतलब जो भी जैसा रिक्वायरमेंट रहता है उनको क्या करना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए। बिना मीटिंग का, मतलब कि कुछ मीटिंग्स तो आप जान रहे हैं कंपलसरी है, एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग है, कई तरह का मीटिंग होता है। तो जितने भी मीटिंग्स है कंपनी का, जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड है, वो मीटिंग तो कम से कम 1 साल में हो जाना चाहिए, है ना। अगर अगर जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड मीटिंग्स हैं जो होना चाहिए, अगर वो मीटिंग हो ही नहीं रहा है, मान लीजिए नहीं कर पाया किसी कारण से, तो गुड गवर्नेंस कैसे हो सकता है ना। तो रिक्वायरमेंट के आधार पर, बोर्ड को अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर, जरूरत के आधार पर जो मीटिंग कर लेना चाहिए, जो मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड है वो बोर्ड मीटिंग हो जाना चाहिए, है ना। और ऐसे भी मेजर जो डिसीजन है ना, वो आपको तो पता है मैनेजमेंट बोर्ड के हाथ में होता है, तो बिना मीटिंग के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, है ना। तो बोर्ड मीटिंग भी, मतलब कि जो प्रेस्क्राइब्ड है, जो लॉ है, जो एज पर लॉ होना चाहिए, है ना। कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, ये जो आचार संहिता की बात करते हैं, तो जो कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स है, जो भी एग्जीक्यूटिव है जो बड़े पोस्ट पे है ना, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कर किए गए हैं। मतलब जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है स्पेशली फॉर जो एग्जीक्यूटिव्स पे हैं, जो 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 टॉप लेवल पे हैं, उनको वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फॉलो किया जाना चाहिए, है ना। अगर आचार संहिता जो बनाई गई है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, या स्किप किया जा रहा है, तो कैसे हम गुड गवर्नेंस की बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस के लिए जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उसका एकदम स्ट्रिक्टली पालन होना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए मैनेजमेंट के द्वारा, है ना। तभी गवर्नेंस क्या होगा, गुड होगा। नेक्स्ट है स्ट्रेटजी सेटिंग। ये रणनीति रणनीति की बात कर रहा है ना। देखिए, ये तो कंपनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, कंपनी को तो छोड़िए, आम जीवन में भी अगर आप रणनीति बनाकर काम नहीं करेंगे तो आप फेल कर जाइएगा, है ना। आपका जीवन सफल नहीं होगा। आज का जो समय है ना, आज का जो समय है, अभी जिस एज में हम रह रहे हैं, जिस 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 हाई लेवल का कंपटीशन में हम जी रहे हैं, अगर आपने अपने जीवन के बारे में स्ट्रेटजी तैयार नहीं की है, नहीं किया है, तो आप फेल कर जाएंगे। तो ये तो जो स्ट्रेटजी सेटिंग की बात कर रहे हैं, हम तो एक इंडिविजुअल अपने लिए सोच रहे हैं, तो उसी तरह से कंपनी के लिए क्या रणनीति सेटिंग की बात नहीं होगी, होगी। अगर कंपनी से रिलेटेड जो भी बात है उससे रिलेटेड अगर स्ट्रेटजी तैयार नहीं की गई है ना, तो वो कंपनी सक्सेस नहीं करेगा, उसका गवर्नेंस बढ़िया नहीं हो सकता है। गुड गवर्नेंस के लिए कंपनी के मैनेजमेंट को स्ट्रेटजी बना करके काम करनी चाहिए, है ना। तो स्ट्रेटजी सेटिंग की बात बोल रहा है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड बोर्ड परफॉर्मेंस। ये जो मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, देखिए कंपनी क्या करता है ना, कि कई तरह का कमिटीज बना के काम करता है अपनी गवर्नेंस को, मतलब स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। कोई भी कंपनी कई तरह की कमिटियां बनाए हुए रहता है ना। तो उन कमिटियों का अगर सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो, उन बोर्ड के पर जो बोर्ड का जो परफॉर्मेंस, अगर उनका मॉनिटरिंग नहीं हो, तो कैसे गवर्नेंस को हम अच्छा मान सकते हैं। गुड गवर्नेंस के लिए ये जो बोलता है कि मॉनिटरिंग की बात कर रहा है ना,
बोर्ड के परफॉर्मेंस के बोर्ड का जो परफॉर्मेंस है ना, अगर उसको मॉनिटर नहीं किया जाए तो ये मतलब करप्शन करप्शन को बढ़ावा मिलेगा, है ना, करप्शन को बढ़ावा मिलेगा। ये जो कॉरपोरेट फेलियर की बात करते हैं ना, कॉरपोरेट फेलियर से बचने के लिए मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है ना। गुड गवर्नेंस के लिए मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, कंपल्सन है, टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है ऑडिट कमिटी। देखिए, हम सभी जानते हैं ना कि जो ऑडिट ऑडिट कमिटी की जो बात करते हैं हम, आपको ऑडिट कमिटी पे हमारा ये लेक्चर भी आ चुका है, ये आप जानते हैं ना, हमने आपको बतलाया है कि जो कंपनियां हैं, अगर अगर उसका जो ये पेड अप शेयर कैपिटल है, जो पब्लिक कंपनी है, उसका 10 करोड़ या उससे ऊपर का हो जाए, या टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर का हो जाए, या उसका जो टोटल डिपॉजिट है जिसमें लोन्स, बोरोइंग्स, डिबेंचर्स ये सब शामिल है, 50 करोड़ या उससे ऊपर का हो जाए, तो उस कंपनी को ऑडिट कमिटी का फॉर्मेशन करना कंपल्सन है ना। तो अगर मान लीजिए ये जो पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या टर्नओवर 100 करोड़ या बोरोइंग्स 50 करोड़ या उससे ऊपर की बात कर रहे हैं, अगर ये कंपनी इस कैटेगरी में आ रहा है, फुलफिल करता है इसको, और अगर ऑडिट कमिटी का फॉर्मेशन नहीं किया है, तब तो भाई गलत बात है ना। तब कैसे गवर्नेंस गुड हो सकता है? गुड गवर्नेंस के लिए आपका जो ऑडिट कमिटी का जो फॉर्मेशन है कब होना है, ये एकदम वॉचफुल रहना चाहिए, है ना। किसी भी ईयर में ये जो अगर पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर या जो हम ये टोटल डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, बोरोइंग्स की बात बोल रहे हैं, टोटल बोरोइंग्स अगर ये एक्सीड कर जाता है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ऊपर, जो कंपनी का जो टोटल ये जो डिपॉजिट्स है, जो बोरोइंग्स है, वो 50 50 करोड़ या उससे ऊपर, तो उसको ऑडिट कमिटी बना लेनी चाहिए, है ना, ये कंपल्सन है उनके लिए। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, ये तो रिस्क तो आप जान रहे हैं, सबके साथ रिस्क है, कंपनी के साथ भी रिस्क है। तो अगर अगर रिस्क मैनेजमेंट अगर रिस्क रिस्क मैनेजमेंट का ये मतलब अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट के लिए रेडी नहीं है कंपनी, तो उसका गवर्नेंस बढ़िया नहीं हो सकता है ना। एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए कंपनी का जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, वो अच्छा, काफी मतलब कि बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। रिस्क मैनेजमेंट का व्यवस्था करके रखना चाहिए कंपनी को, है ना। अगर 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 रिस्क मैनेजमेंट का कोई कोई अगर मान लीजिए व्यवस्था नहीं, कोई इस पे चर्चा नहीं है, तो कॉरपोरेट फेलियर की बात हो सकती है ना। तो रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, ये भी गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस का क्या है, एक एलिमेंट है ना। मतलब रिस्क मैनेजमेंट कंपनी का जो सक्सेस है ना, काफी हद तक ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो रिस्क मैनेजमेंट भी एक एलिमेंट है। सो हम अभी देख रहे थे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एलिमेंट को, है ना, रोल एंड पावर ऑफ बोर्ड, लेजिस्लेशन की बात बोल रहा है, मैनेजमेंट एनवायरनमेंट की बात बोल रहा है, बोर्ड अपॉइंटमेंट की बात बोल रहा है, बोर्ड मीटिंग है, कोड ऑफ कंडक्ट है, स्ट्रेटजी की बात बोल रहा है, मॉनिटरिंग दी बोर्ड परफॉर्मेंस, है ना, ऑडिट कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एलिमेंट्स हैं, है ना। तो हमको लगता है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहे। आप सबको हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।